वेलकम दोस्तों, स्टार एजुकेशन आप सभी के लिए। एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ऑल इंडिया भर्ती आ चुकी है एसएससी जीडी के लिए। अगर आप 10वीं पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, 18 से लेकर 25 तक उम्र है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। न्यू सिलेबस क्या क्या रहने वाला है और महिला और पुरुष दोनों इसके अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपको कट ऑफ से संबंधित जो ओल्ड कट ऑफ हैं, ओल्ड कट ऑफ से संबंधित वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। चलिए तो देखते हैं, शुरू करते हैं आज का कुछ इम्पोर्टेंट। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा 50 मॉडल पेपर सेट, दोस्तों कितना दोस्तों 50 फुल पेपर सेट मात्र 51 रुपये में, दोस्तों मात्र 51 रुपये में आपको 95% का छूट दे रखा है। ये देख लीजिए दोस्तों, 9461041363 है, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, फोनपे नंबर है, गूगल पे नंबर है। आप इस पर आप पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं दोस्तों, क्या कर सकते हैं, पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं और हमारी टीम आपको 5 मिनट के अंदर 50 मॉडल पेपर सेट, कितने 50 मॉडल पेपर सेट नए पैटर्न के आधार पर, नए सिलेबस के आधार पर उपलब्ध करवाएंगे। तो जल्दी से आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, बिल्कुल व्हाट्सएप कर दीजिए, यस। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, नीचे हमारा स्टार एजुकेशन का टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको मिलेगा पीडीएफ, क्या मिलेगा, जितना भी पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको मिलेगा। इस टेस्ट के अंदर आपकी रैंकिंग बताई जाएगी, आपकी रैंकिंग क्या है दोस्तों, ऑल इंडिया टेस्ट क्या है, इसके अंदर एक टेस्ट है, पूरा टेस्ट है और एक टेस्ट के अंदर पूरे 100-100 प्रश्न हैं और 100-100 प्रश्नों की रैंकिंग क्या है वो पूरा अपडेट आपको मिलने वाला है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि एसएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, उस नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तारीख है, वो ऑनलाइन फॉर्म की जो तारीख है वो है 17 तारीख से लेकर 31 तक, 31 अगस्त तक आपको फॉर्म भरने की तारीख है और यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आपका पेमेंट जमा करवाने की आपको 3 दिन बाद, यानी 1-2 तारीख को पेमेंट जमा करवाने की है, और ऑफलाइन अगर आप पेमेंट जमा करवाए तो 4 तारीख, इन 4 दिन की छूट है। चालान आपका बैंक डे के अंदर होगा, जब आपका बैंक डे जो आपका टाइम चलता है, और 7/9/2021 तक आप बैलेंस कर सकते हैं। और ऑनलाइन एग्जाम होगा, कैसा होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ जो आपकी वैकेंसी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आपके सामने वैकेंसी आ चुकी है, इस वैकेंसी से संबंधित मैं आपको बताऊँगा। कुल आपकी जो पोस्ट है दोस्तों, 25,271 पोस्ट जो पोस्ट है वो है। अब दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना है कि मैं सबसे पहले BSF भरूँ, CISF, CRPF, SSB, ITBP, IA, NIA या SSB, सबसे पहले कौन सी प्रिपरेशन मैं चूज करूं? तो दोस्तों अगर आपको नौकरी करनी है, 100% नौकरी करनी है, तो दोस्तों आपको BSF सबसे पहले दोस्तों BSF ज्वाइन करना। BSF के बाद में दोस्तों आप करेंगे CRPF, CRPF के बाद करेंगे CISF, उसके बाद करेंगे SSB, उसके बाद करेंगे ITBP और उसके बाद में करेंगे SSF जी। और बाकी यहाँ पर देखिए CRPF की पोस्ट है ही नहीं, तो आप इसको वरीयता ना दें। उसके बाद IN के अंदर भी पोस्ट नहीं है, NI के अंदर भी पोस्ट नहीं, इसकी आप वरीयता ना दें। इसका जो वेतन है ना वो बहुत अच्छा वेतन दोस्तों, 21,700 के लेकर 69,100 रुपये तक आपको वेतन मिलने वाला है। उसके बाद में जो आपकी एज लिमिट है दोस्तों, एज लिमिट क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एज लिमिट क्या है दोस्तों, अगर मैं एज लिमिट की मैं बात करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे 18 से लेकर 23 वर्ष, जो आप 1/8/2021 तक, 1/8 यानी 1 अगस्त तक आपको 18 वर्ष का होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 1998 से लेकर 2003 के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं, यस। अब आपको विशेष छूट क्या क्या दे रखी है, अगर आप OBC और SC हैं तो 5 साल, OBC का 3 साल, यानी दोस्तों 23+3 कितने हो रहे हैं, 26 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद देखेंगे 23+5 कितना है दोस्तों, 28 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल और अदर आप अलग अलग जगहों से तो अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों ये आपका रहा मेन नोटिफिकेशन, किसके अंदर क्या क्या है, ये आपका जो एग्ज़ाम क्या है क्वालिफाई।
देखिए 10वीं पास होना चाहिए, कितना 10वीं पास होना कैंडिडेट जरूरी है। अगर आप केंद्र सरकार से पास हो या राज्य सरकार से पास हो, और ये 2021 से पहले पहले पास होना जरूरी है। उसके बाद में जो आपका पेमेंट फीस क्या है वहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, 100 रुपये फीस है, 100 रुपये आपको पे करना होगा। अब देखिए महिलाओं के लिए और SC कैंडिडेट और ST कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन के लिए पैसे नहीं है, बिल्कुल पैसे नहीं लगे। तो आपका सबसे पहले महिलाओं के लिए फीस नहीं लगेगी, पुरुषों के लिए 100 रुपये लगेंगे। आप UPI, नेट बैंकिंग, वीजा, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपया, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप कर सकते हैं और ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो सिलेबस है ना दोस्तों, सिलेबस सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या है सिलेबस? सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है जो सिलेबस आपका जारी हुआ ना, वो सिलेबस आपको चीज़ देखनी बहुत जरूरी है। सिलेबस के अंदर क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले आपका जो सिलेबस के अंदर 4 सब्जेक्ट हैं, 25 नंबर 25 नंबर 25 25, क्वेश्चंस आपके 25 25 है और नंबर भी 25 25 है। कुल 90 मिनट का है, 100 क्वेश्चंस होंगे। कितने होंगे? 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 क्वेश्चंस। माइनस मार्किंग 1.5 है दोस्तों। माइनस मार्किंग पहले नहीं थी, वर्तमान में माइनस मार्किंग कर दी गई है कि आपको माइनस मार्किंग है तो आपको माइनस मार्किंग आपको दी जाए। क्या दी जाएगी? माइनस मार्किंग आपको कट। अब दोस्तों आप बोलेंगे सर माइनस मार्किंग का कहाँ अपडेट है? तो यहाँ पर आप देखेंगे, यस ये जो माइनस मार्किंग का अपडेट है यहाँ पर देखेंगे, ये आपका माइनस मार्किंग क्या है, ये माइनस मार्किंग का अपडेट। अब ये तो आपका हुआ सिलेबस, जीके है आपका, रीजनिंग है, नंबरिकल है, हिंदी और इंग्लिश में से दोनों है। अब दोस्तों ये जो आपका सिलेबस है ना, ये सिलेबस क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ पूरा डिक्लेरेशन के साथ में। देखिए आपका रीजनिंग के क्वेश्चंस, जीके के क्वेश्चंस, मैथमेटिक क्वेश्चंस ये वगैरह है, नॉर्मल है, इतना कठिन नहीं है आपका, इंग्लिश का लेवल, हिंदी का लेवल। और दोस्तों जो हम आपको 50 टेस्ट देंगे ना, 50 टेस्ट के अंदर आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे पूरे के पूरे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे मात्र 51 रुपये में दोस्तों हमने अपडेट दिया, और ये अपडेट दोस्तों 5000 स्टूडेंट के लिए, कितने दोस्तों 5000 स्टूडेंट के लिए हमने दिया। उसके बाद में आपका पहले, सबसे पहले दोस्तों बता देता हूँ, सबसे पहले आपका होगा एग्जाम। क्या होगा आपका एग्जाम होने वाला? सबसे पहले आपका एग्जाम अगर आपने पास कर लिया, उसके बाद में देखिए 5 किलोमीटर दौड़ 24 मिनट के अंदर, 16 किलोमीटर 8.5 मिनट के अंदर महिलाओं के लिए है। उसके बाद में 800 मीटर, ये 1600 मीटर, ये अलग रोज है, लेकिन आपका जो सभी का है 5 किलोमीटर 24 मिनट है महिलाओं के लिए, 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट के लिए, और इसे पास करना जरूरी। क्या करना? पास करना आपको जरूरी। अगर आप ये पास नहीं किए तो आप नहीं कर सकते। इसकी हाइट 170 सेंटीमीटर और महिलाओं की 157 सेंटीमीटर हाइट होनी जरूरी। क्या होनी चाहिए? हाइट होनी जरूरी है। तो और उसके बाद में ये जो आपका अपडेट है, वेरी वेरी अपडेट मैं आपको बता देता हूँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है, इसमें आपको 35% नंबर लाने अनिवार्य हैं अगर आपको पास होना है, और उसके बाद 33% OBC महिलाओं के लिए लाना जरूरी है, यस। और अगर आपके NCC सर्टिफिकेट है तो इनके नंबर आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, तो ये इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। और ये जो इम्पोर्टेंट है वो सभी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों ये जो टेस्ट सीरीज है ना, ये आप मान लीजिए कि पैसा नहीं दे रहे हैं सर, बहुत आपको परफेक्ट क्वेश्चन सेट के साथ में दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अब दोस्तों 51 रुपये ओनली फॉर हमारा जो सर लागत मूल्य कितना है? 51 रुपये लागत मूल्य है, और इसमें हम 5000 स्टूडेंट के ऊपर दे रहा हूँ। कितना दे रहा हूँ? 50000 हो गया है, 50000 नहीं, 5000 स्टूडेंट को ओनली फॉर 51 रुपये में मैं टेस्ट सीरीज दूंगा। आपको इस नंबर पे आपको कर लेना है, नीचे हमारा एप्लीकेशन मिलेगा, एप्लीकेशन पे भी आपको जाकर ज्वाइन कर लेना है। अगर आप बोलेंगे सर मैं तो नहीं करूँगा, तो आप एप्लीकेशन के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोन पे गूगल पे कर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, स्टार एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो ये जो मैंने पूरा अपडेट दिया है, कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारी लाइव क्लास दोस्तों, लाइव क्लास मैं शुरू करने वाला हूँ, स्टार्ट करने वाला लाइव क्लास, तो उनके लिए भी नाइट का टाइम रहेगा या मॉर्निंग का टाइम रहेगा? मुझे एक तो दोस्तों मॉर्निंग का टाइम दे दीजिए, सुबह का टाइम दे दीजिए, और शाम
का टाइम दे दीजिए, शाम का, तो उसके अनुसार हमारी क्लासेस रोजाना चलती रहेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।